गोरखपुर विकास प्राधिकरण कर्मचारी संघ के वर्तमान अध्यक्ष संजीव कुमार गुप्ता का अन्य जनपद तबादला हो जाने पर रिक्त पड़े पद पर कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में संगठन में संयुक्त मंत्री को कार्यकारी अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया है। कार्यालय में हुई एक बैठक में संगठन के महामंत्री उमेश चंद श्रीवास्तव ने इसकी औपचारिक घोषणा की। महामंत्री उमेश चंद श्रीवास्तव ने कहा कि चूंकि संगठन का चुनाव फरवरी माह में होना है, इसलिए कार्यों में हो रही बाधा को दूर करने के लिए अरुण सिंह को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कर्मचारी संघ के नव नियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष अरुण सिंह ने कहा, सर्वविदित है कि पूर्व अध्यक्ष हमारे भाई संजीव कुमार गुप्ता का स्थानांतरण गोरखपुर विकास प्राधिकरण से वाराणसी विकास प्राधिकरण हो गया, जबकि वर्तमान में वो मेडिकल के चल रहे हैं। लेकिन चूँकि हमारी कर्मचारियों के हित की बात प्रभावित न हो, इसलिए मैं जो हूँ कार्रवाई आज जो है बैठक करते हुए मैं हमारे जो संयुक्त मंत्री हमारे थे अरुण सिंह जी, मैं सर्वविदित सर्वसम्मत से मैं इनको जो है तब तक के लिए, चूँकि हमारा चुनाव जो है फरवरी में होता है, तो फरवरी तक के लिए मैं इनको कार्यवाही का अध्यक्ष के रूप में मनोनीत करता हूँ। अरुण कुमार सिंह कहते हैं, हम गोरखपुर विकास प्राधिकरण में ही कर्मचारी के पद पर कार्यरत हैं। जिम्मेदारी तो हमें बहुत बड़ी सौंपी गई है। मैं वैसे सिर्फ गोरखपुर विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष मनोनीत किया गया हूं और गोरखपुर विकास प्राधिकरण करण की समस्याओं के लिए हमें लड़ना है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण में तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिसका निदान अभी तक किसी भी स्तर से मिला नहीं है, जबकि ये हम लोगों को मिलना चाहिए। तो अब इसमें ये है कि जैसे हमारे कर्मचारियों की समस्याएं हैं, कर्मचारियों के लिए एचआरए होता है, ये नहीं मिला, फिर सीसीए नहीं मिला, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की प्रोन्नति पता नहीं किस स्तर पर लंबित है अभी तक, वो नहीं मिला, और मृतक आश्रित हमारे वहाँ कुछ ऐसे हैं जिनको सेवा में लेना बहुत आवश्यक है, जो बहुत ही जैसे जो लोग बहुत गरीब परिवार से हैं और वो परेशान हैं, उनके पास घर भी नहीं है, रोटी भी नहीं है, मरते जा रहे हैं पैसे के अभाव में उनके परिवार में, लोग निदान नहीं मिल रहा है इसका कुछ। तो ये सब अब तो हमारे पास मुखिया मुख्यमंत्री खुद है गोरखपुर जिले के हो गए हैं, हम जो चाहेंगे वो उनसे करवाने का अधिकार रखते हैं, क्योंकि हम उन्हीं के लोकसभा के रहने वाले हैं और हम उनसे जरा सा भी अनुरोध के रूप में नहीं कहेंगे कोई चीज़, हम अपने अधिकार के रूप में कहेंगे जो कुछ कहेंगे उनसे, और नियमतः उनको हर चीज़ समझ के करना चाहिए। अब जानकारी दी जाएगी उनको, जहाँ तक उनको जानकारी भी नहीं है इस सब चीज़ों की, बड़े स्तर पर लोग ऊपर ही बातों को रख लेते हैं, रोक लेते हैं, और यही सब है हमारी समस्या। आधार पर हमारा एचआरए सीसीए और कर्मचारियों की नियुक्ति और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का जो प्रोन्नति का प्रकरण अब तक अवरोधित है उसको निस्तारित करने का कष्ट किया जाए।